मुंबई सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे ऐसी भी जिंदगी होती है। देखो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है, आराम की जिंदगी है, आराम की नहीं है भाई। यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए पैसे की जरूरत है। ये देखो गाइस, ट्रेन वहाँ से इंजन आ रहा है, और पब्लिक यहाँ देखो, पब्लिक यहाँ बंद नहीं हो रहा है, पब्लिक जा। और ये तो मुंबई की पहली मतलब कि गर्मी शुरू हुई है, और मुझे लगता है कि मुझे घर वापस जाना चाहिए। मर्सिडीज बेंच देखो गाइस, यहाँ पे मर्सिडीज, ऑडी और BMW आम है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, फिर से एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, और हम फिलहाल हैं 15th floor पे हैं हम लोग। और ये देखो यहाँ से इसका व्यू, और गाइस इतने, ये देखो इसे क्या बोलते हैं, बाज बोलते हैं, आंखें निकाली थी गाइस, इतने देखो कितना सारी घूम रही है, ऐसे आंखों पे मारेगी ना आंखें निकाल के ले जाएगी। ये देखो, तो चलते हैं, देखते हैं आज का ये व्लॉग कैसा रहता है, कहाँ चलते हैं, क्या करते हैं, पूरा का पूरा सीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है। और ये देखो पूरा फ्लाइट, एक फ्लाइट जा रहा है, और कितना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है देखो यहाँ से, बढ़िया। अगर बैठते हैं, यहाँ पर बहुत धूप है यार, बहुत गर्मी है, तो बैठते हैं, उसके बाद चलते हैं कहीं आप लोग लेकर, ठीक है, गाइस आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा का घर दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से हल्का थोड़ा सा समझ आ रहा है, उधर देखो वो दिख रहा है ना, एसी लगा हुआ है, वो जो है मेरे उंगली के सीधे पे देखो, वो जो है ना मेरे फिंगर के सीधे पे देखो, वो देखो गाइस, वो जो है ना वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा का घर। लेकिन हम लोग इसके लिए एक अलग से वीडियो कवर करेंगे, ठीक है, जितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर होंगे ना, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कुछ दिन वेट करो फिर बनाएंगे आप लोगों के लिए। सो ये है पूरा मुंबई का व्यू। और गैस ये देखो मर्सिडीज खड़ी है, ये क्या है, मर्सिडीज बेंच देखो गैस, यहाँ पे मर्सिडीज, ऑडी और BMW आम है, हर जगह पर खड़ी हुई है, और हर जगह पर जहाँ जाओगे वहीं पर मिलेगा। देखो यहाँ पर भी कुछ गाड़ी छड़ी लगी हुई है, बस हम लोग गाड़ी देखते ही रहेंगे, कभी तो खरीद नहीं पाएंगे। और गाइस ये देखो और एक बिल्डिंग पर आए हैं, अभी सातवें माले पे हैं, देखो यहाँ से समंदर पूरा कितना सामने दिख रहा है, और यहाँ पर भी देखो कितने सारी बाज हैं, इससे बच के रहना। और गाइस वो देखो वर्ली सीलिंग बीच का जो ये खम्बा दिख रहा है, वही है बैंड स्टैंड है, ठीक है। और इधर और गैस देखो वो है सचिन का बिल्डिंग है, तो सामने से कवर करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से ठीक नहीं दिख रहा है। और गैस इस बिल्डिंग को देखो यार, कितना मस्त लग रहा है, नया बन रहा है शायद, इतना हो गया ना, ट्रेन वहाँ से इंजन आ रहा है, और पब्लिक यहाँ देखो, पब्लिक यहाँ बंद नहीं हो रहा है, पब्लिक जाते ही रहा है देखो। लेकिन पब्लिक रुक नहीं रहा है। ये देखो गाइस, जो प्रॉपर्टी के अंदर से आ गया है, देखो जा रहा है, सिर्फ इंजन है, ठीक है, लेकिन ये पूरा पब्लिक प्लेस का अंदर से जा रहा है, जो प्रॉपर्टी के अंदर से जा रहा है।
गाइस चलो आप सबको इस गली के अंदर ले चलते हैं। ओके चलो, ये देखो ये हम अभी चल रहे हैं ट्रेन लाइन के ऊपर। यहाँ पर बहुत गर्मी है यार, और ये देखो यहाँ पे कैसे कैसे, वो देखो वो है बांद्रा स्टेशन, और यहाँ पे कैसे कैसे घर है देखो। ले चलते हैं आपको आगे, और यहाँ पे सब मेन पर क्या होते हैं कपड़े, और ये होलसेल भी करते हैं। चलो आप सबको आगे ले चलते हैं। ये देखो इस कैसे कैसे घर है, और यहाँ कचरा देखो, ये देखो कैसे कैसे घर बने हुए हैं। ऐसे ना बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, और उसका जो किराया होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर कैसी कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं लोग पता नहीं, ऐसे छोटे 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 घर होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रहना ही बहुत हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ना सुबह बस एक बार ही पानी आता है। हम लोग गाँव में क्या करते हैं, ऐसे गए लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर दिन में एक बार ही पानी आएगा, अगर आपने पानी लिया तो लिया, वरना आप पूरा दिन जाओ नहा भी नहीं पाओगे पानी के लिए, अधिकतर नहाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर सब मैन्युफैक्चर होते हैं, सब नीचे स्टॉल लगे हुए हैं, और ऊपर घर बने हुए हैं, टीन का घर बना हुआ है देखो, सबका सब टीन का हुआ है। तो वैसे ये जो है ये है बांद्रा स्टेशन, यहाँ पे सिर्फ लोकल ही आता है, और ये घर देखो यहाँ पे सब टीन का बना हुआ है, और यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं और होलसेल करते हैं यहाँ पे। ये देखो ऐसे ऐसे ज़िंदगी भी होती है, उन्हें ऐसे ऐसे छोटे छोटे इसका बना हुआ है, टीन का बना हुआ है। ये देखो बहुत गर्मी है और आगे नहीं जा सकते, ये देखो सब टीम का बना हुआ। और गाइस यहाँ का जो पानी है ना मतलब कि मैं पी नहीं पा रहा हूँ यहाँ का, मतलब एक अजीब सा यार स्मेल आ रहा है उस पर, लेकिन हर कोई मतलब कि यहाँ पे अगर रह जाऊँ तो शायद मुझे सूट कर ले, बट यहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग तो आराम से पीते हैं, बस मैं नहीं पी पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो लोकल रहते हैं और जो लोग भी यहाँ पर बहुत दिन से रहते हैं वो लोग बड़े आराम से पी लेते हैं। मुंबई सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे ऐसी भी ज़िंदगी होती है देखो, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है, आराम की ज़िंदगी है, आराम की नहीं है भाई, यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है। और यहाँ पर और गैस यहाँ की जो ज़िंदगी है ना, मतलब कोई भी ऐसे बैठ के नहीं खा सकता, और कोई ना कोई मतलब काम कर रहा है, और यहाँ ऐसा है कि सुबह हो गई मतलब सब अपने काम पे निकल जाते, किसी को किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब होता है, पैसा है तो सब कुछ है, वरना यहाँ पे तो कुछ नहीं है। ठीक है तो आओ मुंबई आओ, ऐसे नहीं कि तुम बहुत, ये देखो ये तो कुछ नहीं है, अगर धारा भी आपको दिखाते तो बहुत ज़्यादा मतलब कचड़े इलाका है, बहुत गंदगी है वहाँ पे, और ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से बस एक ट्रेन गुजरता है, और यहाँ की ज़िंदगी ऐसी होती है देखो। चलो आगे चलते हैं, बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ, इतना है कि क्या बताएं। और ये तो मुंबई की पहली मतलब कि गर्मी शुरू हुई है, और मुझे लगता है कि मुझे घर वापस जाना चाहिए यहाँ पे, और नहीं होगा बहुत गर्मी है यहाँ पे सच में, तो कभी बोला है कि शुरू मतलब कि गर्मी शुरू हुआ है तो पूरा नहीं हुआ है, आएगा आने वाले वक्त में और बढ़ेगा यहाँ का। हाँ मुंबई कभी सोता नहीं है, जागता रहता है। ये देखो ये है बकरा, और यहाँ पे जितने भी स्टोर लगे हुए हैं ना यहाँ पर सब होलसेल होते हैं, मैन्युफैक्चर खुद करते हैं और होलसेल होते हैं, सब ज़्यादा ज़्यादा माल लेकर जा रहे हैं। और कैसे भी रमज़ान का मार्केट चल रहा है देखो, और हर जगह पर फल और खाने पीने की सामान मिल रहेगी यहाँ पर देखो,
सब सिर्फ खाने पीने की सामान मिल रहा है यहाँ पे। अभी रमजान चल रहा है ना, अभी कितना बजा टाइम हुआ है, 3 हुआ है और अभी से यहाँ पर मार्केट लगना शुरू हो गई है। यहाँ पर मिलेगा आपको तरबूज, बैंगली में पेपे कहते हैं, ये क्या है इसे क्या बोलते हैं, चीकू, चीकू या कुछ बोलते हैं ऐसा पता नहीं। अभी का गर्मी का वक्त, तरबूज तो हर जगह पर मिलेगा, ये है पपाया। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाहर बहुत गर्मी थी यार इसकी वजह से हम रूम पे आ गए हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो चले वीडियो लाइक करें, चैनल पर पहली बात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, टेक केयर।